हलीम के बारे में मैं आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है. सॉरी सॉरी, मेरी अभी तक खांसी गई नहीं है. ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, एफिशिएंट है, सिंबॉलिक है. जैसे हम लामा फेरा कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसमें हमारे 12 सिंबल्स थे इन ऑल. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 सिंबल्स हैं, ठीक है? ये डिवाइन एनर्जीज हैं गॉडेसेस की. हर एक, जैसे हमने लामा फेरा में पंच तत्व किया, बाकी भगवान का, देवी देवताओं के ही सिंबल्स लिए. यहाँ पर दोनों जो सिंबल्स, दो सिंबल्स हैं जो माताओं के हैं, और जो तीसरा है वो आपको बहुत सारी चीजें आपको करके देता है. तो उसको अलग इंटेंशन के हिसाब से हम डालते हैं, ठीक है? इसमें सबसे ज्यादा जो है, जो ये सिंबल्स हैं और जो मंत्रास होते हैं उसके साथ, जब उनकी चैंटिंग होती है, जब हम मंत्रा की चैंटिंग करते हैं, ठीक है, तो उससे जो पावर निकलती है और वो हम जब चैनलाइज करते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी से, उसमें ट्रेमेंडस एनर्जी होती है. मतलब गजब की एनर्जी होती है और इमीडिएट इफेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है ना? वो हर इंसान की जो बॉडी है, हर इंसान अपने आप अपनी जो एनर्जीज हैं उनको अलग तरीके से चैनलाइज करता है. लेकिन आप खुद सोच के देखो, जब हम देवी की एनर्जी को अपने से चैनलाइज करें तो हमारी एनर्जी कितनी हाई वोल्टेज होगी, ठीक है ना? हम हीलर्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ हीलर्स हैं, या हो सकता है फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी हीलिंग्स कर रहे हैं, चैनलाइज करते हैं एनर्जीज को, तो वो एनर्जीज को समझते भी हैं. एंड जस्ट इमेजिन उसके अंदर देवी की शक्ति भी आ जाए, तो हुंकारा विद हलीम वही काम करता है. उसके जो सिंबल्स हैं, उसकी जो चैंटिंग्स हैं, वो इतनी पावरफुल होती हैं कि आपको खुद अपने अंदर फील होने लगता है. मैं आप लोगों से चैंटिंग जरूर कराऊंगी, तो आपको भी एक आइडिया होगा कि किस तरह से देवी की शक्तियां आती हैं हमारे अंदर. एक छोटा सा चैंटिंग जरूर कराऊंगी एट द एंड ऑफ द वेबिनार, ओके? तो हुंकारा विद हलीम के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा एक चीज बताई है. नाउ इम्पोर्टेंट है हम करें क्यों, राइट? हुंकारा विद हलीम सुना है, लामा फेरा कर लिया, तो हुंकारा विद हलीम भी कर लेंगे, वो अलग बात है. लेकिन उसके कुछ बेनिफिट्स अलग भी तो होंगे ना, नहीं तो लामा फेरा करके ही छोड़ देते, राइट? तो चलिए इसके थोड़े से आप लोगों को बेनिफिट्स भी बता देते हैं. हमारे ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो टारगेट बेस्ड होती है. आजकल ये प्रेजेंट हीलिंग है, रिमेम्बर दिस, दिस इज अ प्रेजेंट हीलिंग. प्रेजेंट हीलिंग मतलब आज की डेट में ये हीलिंग होती है. तो आज हमारे क्या होता है, बेसिकली सब लोगों के गोल सेटिंग्स होते हैं, है ना? तो ये टारगेट बेस्ड हीलिंग है, मतलब आप अपना टारगेट को अचीव कर सकते हो इस हीलिंग के द्वारा. आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, रिलेशनशिप्स में हार्मनी आती है, हर तरह की डिजीजेस, मेंटल स्ट्रेस से आपको फ्रीडम मिलता है. आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, आपको लीगल मैटर्स में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके जो शत्रु हैं, जो एनिमीज हैं, उनको आप शांत नहीं कर पा रहे, वो आपके ऊपर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपके सामने, है ना? उनको शांत करने में ये काम आती है, आपके ऑरा को क्लीन करती है, स्ट्रेस एंजाइटी को सब हटाती है. ये पॉइंट अब जो नेक्स्ट है वो मैं बाद में बताऊंगी. आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको क्लियर करती है, आपकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ाती है. इट मींस आपका जो मेमोरी रिटेंशन का जो एक एज के बाद इन जनरल सबको हो जाता है, बट फिर भी जैसे स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, भाई याद करके गए, सारा पूरा पढ़ के गए, एग्जाम में जाके भूल गए, कॉमन चीज है, बहुत सुनने को आती है, पेपर छूट गया क्योंकि याद नहीं आ रहा था. बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना बच्चों की, उसमें मेमोरी रिटेंशन में ये बहुत हेल्पफुल है. जो स्लो लर्नर्स हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि सब लोग टॉप नॉच हो, है ना? कुछ लोगों को कोई कुछ चीजें देर से समझ आती है. अभी जैसे अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ, आप मेरे से हीलिंग्स और ये सब बोलोगे और मैं कैच कर लूंगी, हाँ नंबर्स टेबल्स में थोड़ा सा हाथ तंग है ना?
तो वहां पर ये नहीं है कि मैं स्लो लर्नर हूँ, क्योंकि मेरी दूसरी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जहां पर मुझे लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा चाहिए वहां पर भी ये मुझे हेल्प कर सकता है. ओके, सीए बनना है, दिमाग का काम है. बैंकर्स हैं, एमबीए, एनालिस्ट. एनालिस्ट कौन होते हैं? जहां पर दिमाग का काम है वहां पर ये बहुत हेल्पफुल है. बिजनेस ओनर्स को, आईटी प्रोफेशनल्स को, पॉलिटिशियंस, क्योंकि दिमाग चलाना होता है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जहां पर भी आपको हाई मेंटल एबिलिटी की जरूरत है वहां पर हुंकारा विद हलीम इज अ बून. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है. सेल्स वालों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है ये. आप देखिए कितने बेनिफिट्स हैं इसके, राइट? बेनिफिट्स आई थिंक सो सबको क्लियर होंगे. जी मैम, अभी यहां तक किसी को कुछ पूछना है या कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, तो 5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स को देते हैं, तक फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. मेगन हाँ मेघन बोलिए. मैम, डज दिस मीन दैट इट इज अ स्ट्रॉन्गर मोडालिटी देन लामा फेरा और एन एक्सटेंशन ऑफ लामा फेरा? सी, लामा फेरा इज अ प्रोसेस. ये तो आप लोगों ने जब सीखा है तो यू हैव सीन इट हाउ यू हैव टू डू इट, राइट? उसका एक प्रोसेस है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको चलना है ना. वहां पर आपको किट भी जरूरी होती है, राइट? यू हैव ऑल दोज थिंग्स. यहाँ पर कुछ किट की जरूरत नहीं है. यहाँ मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे किसी की हीलिंग करनी है, आई कैन जस्ट क्लोज माई आईज एंड डू इट. ओके, सो आप कहीं पर भी बैठ के ये हीलिंग कर सकते हो. आपको वो सब चीजों की जरूरत नहीं है कि आपको अपने जो स्टूडेंट है, सॉरी स्टूडेंट नहीं, जो क्लाइंट है, आपको उसको बोलना है कि भैया लेट जाओ. आप उसको बोलो भैया शांति से बैठ जाओ, उतना बहुत है. इट इज अ शॉर्ट एंड इफेक्टिव एंड इमीडिएट इफेक्टिंग मोडेलिटी, और इसमें सिंबल्स भी ज्यादा नहीं है, है ना? तो बहुत जल्दी क्विक होती है. बट हाँ, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रैक्टिस इज मस्ट. बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, राइट? प्रैक्टिस तो जरूरी है. जी मैम, तो इसमें मैडम फिर इसमें मतलब रोप भी नहीं पहनना और वो बर्निंग स्टिक भी इस्तेमाल नहीं करना और करेंगे तो बहुत अच्छा है. देखिए मैं रिकमेंड तो करती हूँ, अगर आप कर सकते हो, अपने घर में बैठे हो तो यूज कर लो, लेकिन ओके अगर आप कहीं बाहर हो तो ये बस दो उंगलियां बहुत है. दो उंगलियां बहुत। तो इसका दूसरा क्वेश्चन था मैडम, जो हम लामा फेर से कर सकते हैं वही चीज हम यहाँ इससे भी कर सकते, राइट? इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो नहीं होगा जो उसमें होता था. मतलब दोनों नहीं, वो ऐसा क्या चीज जो उसमें नहीं हो सकता और इसमें हो सकता, जो इसमें हो सकता मतलब? आपने लामा फेरा किया है, आपको पता है लामा फेरा से आप क्या क्या कर सकते हो, हाँ जी, हाँ जी। है ना? इसमें जो है मैंने अभी बेनिफिट्स आपको बताए, इसमें आपने कुछ ऐसी चीजें देखी होंगी जो लामा फेरा में नहीं थी. एक तो एक्टिवेटिंग द ब्रह्मा नाड़ी नाड़ी, वो मैंने कहा ना, वो मैं बाद में बताऊंगी, वो अभी नहीं बता रही हूँ. अच्छा ब्रेन कैपेसिटी बढ़ाना, ये उसमें लामा फेरे में शायद नहीं बताया गया था। उसमें कैपेसिटी नहीं, उसमें आपकी क्लीनिंग ज्यादा होती है ना? लामा फेरा में क्लीनिंग एनर्जाइजिंग होती है और प्रॉब्लम्स खत्म कर देते हैं वहीं पर, यूनिवर्स में भेज देते. इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट डे में आपकी हीलिंग हो रही है. आप मेरे सामने बैठे और आपकी हीलिंग हो रही है, राइट? मैम, कोई एज स्पेसिफिक है ये कि इस एज से पहले बच्चा नहीं सीख सकता, या अगर कोई बच्चे को सिखाना चाहे? बच्चों को क्यों सिखाना है, आप सीखो ना, बच्चों को पढ़ने दो यार. नहीं मैम, मैं तो सीख ही रही हूँ, जैसे है ना कि इसमें सारे इसके बेनिफिट्स हैं तो बेनिफिट्स हैं वो। तो आप करो, अभी बच्चों को पढ़ने दो, उनको बोलो कि पढ़ने को लगाओ, उनको उनके टारगेट्स जो हैं वो आप उनको हीलिंग करके दो, उनकी ज्यादा ठीक अच्छा है रहेगा. देखिए बच्चों का ना, आप देखिए सिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है? आफ्टर 12 इयर्स और 15 इयर्स एवरीवन कैन लर्न दिस. लेकिन क्या होता है ना, अभी बच्चों को कहाँ आप मेडिटेशन सिद्धिकरण में लगाओगे, वो सब चीजें भी तो जरूरी है ना. अभी उनके पढ़ने के दिन है, उनके सबके 9th 10th 11th 12th चल रहे हैं,
आप उनको अगर सिखा दिया तो वो पढ़ाई करेंगे या ये काम करेंगे? राइट उनको कुछ मंत्र दे सकते हो कि भाई बैठे बैठे फ्री टाइम में ये मंत्र चैंटिंग करो, तो उससे तुमको मतलब यू नो दिमाग खुलेगा कि हमारे पास तो मंत्रों का भंडार है वैदिक, उसमें तो हमारे कल्चर में भंडार है बुद्धि तेज करने का, बहुत सारी चीजें करने का, है ना? उनको वो करने के लिए दीजिए, ठीक है मैम? और मैम हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, what are the precautions we have to take in this? वापस वापस आपका आवाज कट गया. मैम what are the precautions we have to take? Precautions while learning this modality. जितना शुद्धता रख सकते हैं उतना रखिए. इसमें पीरियड्स का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, पहली बात. लेकिन उसके बावजूद आप जितनी शुद्धता शुद्धता आप समझते हो, मैं किन किन चीजों के बारे में बोलती हूँ, जो भी नेगेटिव हमारे जो भी तामसिक चीजें होती हैं उनसे थोड़ा दूर रहना. देखिए जो लोग आप लोग हीलिंग्स में आ जाते हो ना, वैसे ही थोड़ा थोड़ा उन चीजों से दिमाग हटता चला जाता है. होता है कि नहीं होता है? जब आप सिद्धिकरण करते हैं और बाकी चीजें भी करते हैं, आप हीलिंग्स करने लगते हो, तो धीरे धीरे उन चीजों से अपने आप ही दूर हो जाते हो, क्योंकि आपकी एक जर्नी अलग लेवल पे चलनी शुरू हो जाती है. राइट तो प्रिकॉशंस तो वही है बस, और क्या है. हाँ अभी जैसे मानविंदर जी गाड़ी चलाते चलाते नहीं कर सकती ये एक प्रिकॉशन है ये एक प्रिकॉशन ही होगी, नहीं तो पता नहीं एनर्जी कहाँ की कहाँ ले जाएगी उनको, है ना? Yes, तो गाड़ी चलाते वक्त नहीं कर सकते, मूवमेंट्स में नहीं कर सकते. अगर आप प्लेन में भी बैठे तो भी नहीं करना है, ट्रेन में बैठे तो नहीं करना है, इवन अगर पैसेंजर सीट में है तो नहीं करना है. देखिए एनर्जीज ना बहुत पावरफुल होती हैं, ठीक है, थीके? जब भी आप उन्हें यूज करते हो ना, तो एक चीज का हमेशा याद रखो, उनको भी एक रास्ते की जरूरत होती है, उन्हें भी एक गाइडेड पाथ की जरूरत होती है. ऐसे तो सब तरफ है ना, हमारे आसपास हर वक्त एनर्जीज ही हैं, राइट? कुछ लोगों को जब एंटिटीज दिखती हैं, जो कहते हैं हमको ये दिखता है, हमें ऐसा लगता है इधर से कोई गया, इधर से कुछ गया, बहुत लोग होते हैं ऐसे, है ना, जिनको दिखता है, वो क्या है, वो एनर्जीज ही तो है. हाँ अगर आपको उनको चैनलाइज करने आ गया तो आप उनको प्रैक्टिकली देख पाओगे, वो चीज है. तो इसका मतलब क्या है कि वो चैनलाइज करना भी एक तरह से ये है कि उनको पाथ देना कि आप यहां से यहां जाओ, राइट? तो जब आप गाड़ी चलाते हुए कैसे उनको बताओगे एड्रेस, ये बताओ. आप मूवमेंट में कैसे एनर्जीज को रास्ता दिखा सकते हो? आप तो खुद ही रास्ते पे हो. यस मैम. हमेशा एक चीज और है जो करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए. आप जब भी हीलिंग्स करते हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए एक जगह बनाइए, क्योंकि वहां पर जो एक एनर्जी का ऑरा क्रिएट होता है, और उसके बाद जब आप हीलिंग्स करते हैं तो वो आपको और आपकी एनर्जीज को मतलब बूम करती है, ठीक है? तो कोशिश यही करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि भी आप कभी बेडरूम में कर लिया, कभी रूम में कर ली, कभी लिविंग रूम में कर ली, कभी ऑफिस में जाके कर. अनटिल अनलेस कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है मेरे ऑफिस आके आप हीलिंग कर दो, वो अलग बात हो गई. किसी के घर जाके आप हीलिंग कर रहे हो, वो अलग बात हो. लेकिन अपनी जहां जगह होती है वहां पर एक पर्टिकुलर जगह पर बैठकर ही करनी चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए और कोई क्वेश्चन है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं.